फाइनली अब इंतजार खत्म हो चुका है। आप लोग जिस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, टाटा सफारी फेसलिफ्ट 2023 का, ऑफिशियली गाड़ी सामने आ चुकी है, रिवील कर दी गई है सारी डिटेल्स और आप लोग को रियल लाइफ इमेजेस भी आ चुकी हैं, जिससे आप लोग को पता चल चुका है कि किस तरीके से गाड़ी दिखाई पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर में कितने चेंजेस हुए हैं, इंजन कौन सा मिलने वाला है, फीचर कौन सा कन्फर्म आप लोग को चेंजेस मिलने वाले हैं, सारी डिटेल्स बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज की इस वीडियो में बात कर ही लेते हैं नई नवेली टाटा सफारी फेसलिफ्ट 2023 के बारे में। तो फाइनली सबसे पहले बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके अंदर सबसे मेजर चेंजेस आए हैं और वो है गाड़ी के डिजाइन के अंदर। अब फ्रंट में जब आप लोग गाड़ी को देख रहे हैं तो टाटा सफारी डिजाइन वाइज तो आप लोगों को सेम लग रही है, बट इसके अंदर मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए गए हैं, जहां पर फ्रंट ग्रिल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, चाहे वो अपर ग्रिल हो या फिर वो नीचे नंबर प्लेट के नीचे जो आप लोग को स्किड प्लेट मिलती है वहां पर भी डिजाइन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। पूरा रिवाइज्ड ग्रिल और बम्पर इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। साथ ही आप लोग को फ्रंट में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल बार्स दे दी गई हैं, जिससे गाड़ी का बिल्कुल अलग ही लुक आ रहा है और ये काफी कमाल की भी लग रही है। जिस तरीके से आजकल काफी गाड़ियों के अंदर इंटीग्रेट कर दी जाती हैं एलईडी की स्ट्रिप, बिल्कुल उसी तरीके से टाटा ने भी उस डिजाइन को अडॉप्ट कर लिया है और अपनी इस गाड़ी के अंदर उसी तरीके से एलईडी स्ट्रिप दे दी है। साथ ही गाड़ी के अंदर आप लोग को न्यू डिजाइन के एलॉय व्हील्स मिलने लगे हैं, जो कि 19 इंच के डुअल टोन एलॉय व्हील्स हैं और गाड़ी के फ्रंट डोर पर आप लोग को बड़ी सी सफारी की बैजिंग भी दिखाई पड़ रही है। रियर में आते हैं तो गाड़ी के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि पीछे भी कनेक्टेड स्ट्रिप मिल रही है और ये एलईडी स्ट्रिप इस गाड़ी को एक अलग ही लुक दे रही है और बिल्कुल जबरदस्त नजर आ रही है। तो रियर का जो बम्पर है और फ्रंट का बम्पर है उसको भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, गाड़ी के अंदर नए कलर ऑप्शंस भी ऐड कर दिए गए हैं। और वहीं अगर मैं बात करता हूं गाड़ी के अंदर कौन से कलर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो नई टाटा सफारी फेसलिफ्ट के अंदर आप लोग को 10 न्यू कलर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और ये कलर ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितने डिफरेंट कोड के साथ, कितने डिफरेंट शेड के साथ ये कलर आप लोगों को सफारी के अंदर मिलने वाले हैं। और वहीं अगर मैं बात करता हूं कि गाड़ी के इंटीरियर में यानी केबिन में कितने चेंजेस किए गए हैं, देखिए कुछ नॉर्मल चेंजेस भी किए गए हैं और कुछ मेजर चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों को एसी वेंट्स के जो डिजाइन है वो अब पहले के मुकाबले ज्यादा स्लीक दिखाई पड़ रहे हैं, ज्यादा सेंसिटिव इसके टच कंट्रोल्स दिखाई पड़ रहे हैं और स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल नया आ चुका है, बिल्कुल वही जैसा टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के अंदर आया था, जहां पर आप लोग को स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही इल्यूमिनेटेड टाटा ब्रांड का लोगो है और टच जो है आप लोग को काफी सेंसिटिव हो चुका है, कंट्रोल काफी सेंसिटिव बना दिए गए हैं, जिस तरीके से कितने टच स्क्रीन के होते हैं ये इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं गाड़ी के अंदर आप लोग को न्यू गियर शिफ्ट लीवर भी दिया गया है जो लैंड रोवर कार्स के अंदर मिलता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आप लोग को इंटीरियर में भी डिफरेंट थीम्स एंड कलर शेड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि आप लोग इसकी वेरिएंट्स की लिस्ट में देख सकते हैं कि वेरिएंट्स के हिसाब से आप लोग इसके अंदर डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, जैसे ब्लैक, ग्रे, इस तरीके शेड भी आप लोग को अलग अलग इसके इंटीरियर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि नई सफारी के अंदर कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो इस नई सफारी में आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आप लोग को जो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है उसका डिजाइन चेंज हो चुका है और वो डिजाइन इसलिए भी चेंज हो चुका है क्योंकि ड्राइवर डिस्प्ले जो है उसका भी डिजाइन चेंज हो चुका है, क्योंकि उसका भी साइज चेंज हो चुका है। अब ड्राइवर डिस्प्ले जो है यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आप लोग को 10.25 इंचेस का मिल रहा है, वहीं टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो 12.3 इंचेस का दिया जा रहा है, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा है और ये टच स्क्रीन काफी डिफरेंट डिजाइन के साथ भी आ रही है, जो कि ये काफी रेक्टेंगुलर शेप की दिखाई पड़ रही है, काफी शार्प है और आप लोग को डिफरेंट डिजाइन और लुक भी दे रही है। साथ ही गाड़ी के अंदर आप लोग को 7 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, पावर टेल गेट्स मिलने वाले हैं, जेस्टर बेस आप लोग को ओपनिंग वगैरह भी मिलने वाली है गाड़ी के अंदर, साथ ही साउंड सिस्टम जो है वो इस बार भी JBL का दिया जा रहा है, तो साउंड सिस्टम की उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त होने वाला है। और रियर में आप लोग को सनशेड्स भी मिल रही हैं। साथ ही अगर बात करता हूं कौन से और फीचर्स ऐड किए गए हैं, देखिए अगर आप लोग 6 सीटर वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आप लोग को वहां पर भी कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और वहीं वेंटिलेटेड सीट्स भी गाड़ी के अंदर दे दी गई हैं, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी है, पैनोरामिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 7 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा और सबसे बड़ी चीज ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम का पैकेज भी इस गाड़ी के साथ दिया जा रहा है। तो इस गाड़ी में आप लोग
लोग को जितने फीचर्स मिल रहे हैं उसकी जो वेरिएंट्स की लिस्ट है कि वेरिएंट वाइज कौन सा फीचर इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है ऑफिशियली कंफर्म, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कौन से फीचर इसके अंदर मिलने वाले हैं। और अब मैं बात करता हूं कि गाड़ी के अंदर आप लोगों को कौन से इंजन स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं, क्योंकि रूमर्स में यह बताया जा रहा था कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन भी आने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली ये रूमर्स जो हैं ये गलत ही हैं, क्योंकि इस बार भी टाटा ने पेट्रोल इंजन को ऑप्ट नहीं किया है सफारी के साथ और आप लोग को डीजल इंजन ही मिल रहा है, जो कि 2 लीटर का डीजल इंजन है उसी को रिटेन किया गया है और पावर जो है 170 पीएस की मिलने वाली है। गियर बॉक्स की जहां पर बात करने वाला हूं, 6 स्पीड का मैनुअल 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा और ऑफिशियली फ्यूल एफिशिएंसी जो इसकी फिगर्स होने वाली हैं वो टाटा की तरफ से रिवील कर दी गई हैं कि 16.3 किलोमीटर पर लीटर आप लोग को मैनुअल के साथ मिलने वाला है, वहीं ऑटोमेटिक के साथ 14.5 किलोमीटर पर लीटर मिलने वाला है और साथ ही आप लोग को फ्रंट व्हील ड्राइव ही इस बार भी एसयूवी के साथ मिलने जा रहा है। तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी के साथ दिया जा रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि टाटा सफारी के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर कितने सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, बट इंजन की जहां पर बात है कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट गाड़ी का जो फ्लैश है, गाड़ी का जो इंटीरियर एक्सटीरियर है वो चेंज कर दिया गया है, फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। वही मैं बात करता हूं प्राइस पर कितना इंपैक्ट होने वाला है। देखिए टाटा सफारी फेसलिफ्ट का जो प्राइस है वो अभी ऑफिशियली अनवील नहीं किया गया है, बट गाड़ी को आज अनवील कर दिया गया है, बट इसका जो प्राइस है लॉन्च डेट पर आएगा और लॉन्च कब है, लॉन्च अक्टूबर 2023 के अंदर ही है, बट इस गाड़ी के अंदर जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो तकरीबन 16 लाख से लेके 25-26 लाख रुपए तक जा सकता है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है इस गाड़ी के प्राइस को लेके, बट आप लोग का क्या कहना है, आप लोग को कैसा लगा है जब आप लोग ने इस गाड़ी को देखा है, क्या आप लोग डिसअपॉइंट हुए हैं कि इसके अंदर पेट्रोल वर्जन नहीं आया है या फिर फोर व्हील ड्राइव नहीं आया है? तो अगर आप लोग डिसअपॉइंटेड हैं या फिर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर ये क्विक अपडेट वीडियो पसंद आई हो इस टाटा सफारी फेसलिफ्ट के बारे में तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मोटोनॉमिक्स पे आप लोग इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं आए तो मोटोनॉमिक्स फन डालकर हमें जरूर फॉलो करिए, वहां पर आप लोगों को मैं सारी डिटेल्स शेयर करता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड है।